पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान, फिर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी का अपमान, और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का उड़ाया मजाक। हम आगे कुछ कहें उससे पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ा रहे हैं और सामने खड़े होकर राहुल गांधी बड़े मजे से वीडियो बना रहे हैं। संसद के बाहर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते टीएमसी के ये सांसद फोन में वीडियो बनाते हुए राहुल गांधी और ठहाके लगाकर हंसते ये इंडी गठबंधन के नेता इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता देश के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कितनी इज्जत करते हैं। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर, आपसे भी बहुत बड़े नेता हूँ मैं तो यही कह सकता हूँ, सद्बुद्धि आए। दरअसल पहले कांग्रेस समर्थक कुछ लोगों ने संसद में घुसकर हंगामा किया, फिर कांग्रेस नेताओं ने ही इन हमलावरों को बेरोजगार और भगत सिंह बताया, फिर कांग्रेसी सांसदों ने ही इस मुद्दे पर संसद में हंगामा करके संसद की कार्यवाही रोक दी। दोनों सदनों के अध्यक्षों द्वारा बार बार सदन की कार्यवाही को बढ़ाने के लिए आग्रह करने के बावजूद विपक्षी सांसद सदन को बंधक बनाए रखना चाहते थे, जिस कारण सदन चलाने के लिए विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। आप जाकर सदन में बैठिए, नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, नो। व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर डेरेक ओब्रियन, यू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मिस्टर डेरेक ओब्रियन टू लीव द हाउस इमीडिएटली। ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का ऐसा अपमान किया हो। राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर देश की राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इन सभी संवैधानिक पदों का समय समय पर अपमान करते रहे हैं। बीते कुछ दिनों से इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टी CPIM केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी के साथ गुंडों की तरह बर्ताव कर रही है। केरल के CPIM के छात्र संगठन SFI के सदस्य कभी राज्यपाल को काले झंडे दिखाते हैं तो कभी उनकी कार पर हमला करते हैं। सो इट इज चीफ मिनिस्टर, आई एम सेइंग इट क्लियरली, ही इज कॉन्स्पायरिंग, ही इज सेंडिंग दीस पीपल टू हर्ट मी फिजिकली। द रॉड्स ऑन व्हिच दे हैड द ब्लैक फ्लैग, दे वर यूजिंग दोस रॉड्स टू हिट द कार। वहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के दामाद मोहम्मद रियास राज्यपाल को धमकी देते हुए अपना मुंह बंद रखने को कहते हैं, तो दूसरी तरफ स्वयं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन केरल के DGP को पत्र लिखकर राज्यपाल की सुरक्षा हटाने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं, इन कांग्रेस नेताओं और उनके सहयोगियों ने तो राष्ट्रपति पद तक का सम्मान नहीं किया है। कांग्रेस नेता उदित राज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट कर चुके हैं। 5 अक्टूबर 2022 को उदित राज ने अपने ट्वीट में राष्ट्रपति पर चमचागिरी का आरोप लगाया था। उससे पहले कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी के रूप में संबोधित किया था। इतना ही नहीं, बंगाल में TMC के मंत्री अखिल गिरी ने 22 नवंबर 2022 को एक रैली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करते हुए कहा था कि हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है। जिस तरह कांग्रेस को बार बार कोर्ट में और जनता के सामने हार का मुंह देखना पड़ रहा है, इससे साफ दिखता है कि उसकी भड़ास कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर निकाल रहे हैं। इसलिए आज देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के आचरण को देख भी रही है और इसका असली चेहरा पहचान भी रही है।